नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं RRC ग्रुप डी एग्जाम के बारे में। तो क्या है जानकारी, सारी जानकारी आपको डिटेल में मालूम चल जाएगी। उससे पहले यदि अगर अभी तक आपने उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और उमंग स्टडी के टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की हर पल की अपडेट के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड कि जैसा कि आपने देखा होगा, कल जो हम लोगों ने ग्रुप डी का एग्जामिनेशन रिव्यू एंड एनालिसिस आपको प्रोवाइड करवाया था, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा कहना था कि साइंस का जो एग्जाम्पलर बुक है इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस को उठाए जा रहे हैं। तो साइंस के एग्जाम्पलर बुक के आधार पर आप लोग मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप लोग बिग बूस्टर एप्लीकेशन पर लगा सकते हैं। हमारा कूपन कोड है उमंग10, इसको आप यूज़ करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और इसका जो डिस्कशन है वो SK झा सर के द्वारा करवाया जाता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको बिग बूस्टर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा या फिर डायरेक्टली प्ले स्टोर से भी बिग बूस्टर एप्लीकेशन डाउनलोड करके जैसे ही आगे बढ़ेंगे फिर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर डाल के आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर आपके नंबर पे OTP आएगा। यहाँ पे आप अपना OTP डाल के सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आपसे आपका नाम, email ID और एक पासवर्ड सेट करने के लिए कहा जाएगा। फिर आप लोग सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करके आगे बढ़ेंगे यहाँ पे होम पेज में टॉप में ही आपको जैसे कि यहाँ पे दिख जाएगा NCERT एग्जाम्पलर फॉर ग्रुप डी, क्लास 10 एग्जाम्पलर NCERT, क्लास 9 एग्जाम्पलर NCERT। 10 का देना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे इस तरीके का एक पेज खुलेगा। मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए जूम कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑप्शन देगा आपको अप्लाई प्रोमो कोड, ठीक है। इसका जो प्राइस है वो 40 रुपये है, लेकिन आप हमारा कूपन कोड लगाएंगे उमंग10 तो आपको जो है सो कि ये हमारा कूपन कोड है जो आपको लगाना है उमंग10 लगा के आपको अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे मात्र 40 के बजाय 36 रुपये पे करने के लिए कहा जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने के लिए फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं हिंदुस्तान अखबार के धनबाद एडिशन के बुधवार 31 अगस्त 2022 पेज नंबर 2 पे काम की खबरें वाला सेक्शन में। तो यहाँ पे देखेंगे ग्रुप डी के स्टूडेंट्स के लिए एक अपडेट है। अपडेट क्या है कि पाटलिपुत्रा में 8 तक जुड़ेगी अतिरिक्त बोगी। धनबाद, रांची में चल रहे रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा को देखते हुए हटिया से धनबाद होकर पटना जाने वाली पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस में अतिरिक्त बोगी जोड़ने की घोषणा की गई है। 18,622 हटिया पटना पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस में 8 सितंबर तक 3 स्लीपर बोगियों के अलावा एक सामान्य श्रेणी का अतिरिक्त बोगी जोड़ा जाएगा। ये तो अभी केवल हम लोग फ्रेंड झारखंड स्टेट के धनबाद डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग स्टूडेंट्स हमेशा से रिक्वेस्ट करते हैं आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग सीधे अपनी बात को रेलवे के अधिकारियों तक रखें। इसके लिए हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल पर जितने भी आपका 16 जोन है उन 16 जोन के जो भी DRM है उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का जो PDF है वो हम लोगों ने अपने टेलीग्राम पर डाल दिया है। तो यहाँ पे जिस जो भी जोन में आपका है वहाँ पर जाकर के इस PDF को डाउनलोड करके अपना जो हैंडल है आपके DRM का उसको सर्च कर अपने, यदि आपको कोई परेशानी हो रही है, आपको लगता है कि आपके डिवीजन में स्पेशल ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता है, आपको लगता है कि ट्रेन में कोई कोच जोड़े जाने की आवश्यकता है, तो आराम से आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रेलवे के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। रेलवे आसानी से कोई स्पेशल ट्रेन आपके लिए चला सकती है या फिर कोई स्पेशल बोगी आराम से जोड़ सकती है। दूसरा जो अपडेट है फ्रेंड वो भी हमारे टेलीग्राम पर ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने न्यूज़पेपर कटिंग सेंड किया है, देख सकते हैं यहाँ पे RRB प्रयागराज से न्यूज आ रही है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्टार्टिंग में जैसे जैसे एग्जामिनेशन आगे बढ़ रहा था जो अटेंडेंस था स्टूडेंट्स का वो जैसे कि बढ़ता जा रहा था, लेकिन फिर से सेकेंड फेज में ऐसा देखने को मिल रहा है कि अटेंडेंस वापस से घटता जा रहा है। आज आप लोगों का वेडनेसडे है यानी कि बुधवार है और कल ट्यूसडे का जो अटेंडेंस की बात करते हैं RRB प्रयागराज के जुडिक्शन में, तो यहाँ पे देख सकते हैं अटेंडेंस जो है वो मात्र जैसे कि 40% अटेंडेंस देखने को मिला है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से मंगलवार को आयोजित CBT Level 1 परीक्षा 60% से अधिक अभ्यर्थियों ने छोड़ दी। पहली पारी में कुल पंजीकृत 14,176 में से 5,334 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, इस तरह से 37.63% उपस्थिति रही। दूसरी पाली में 14,174 में से 5,567 तथा तृतीय पारी में 14,178 में से 5,531 अभ्यर्थी शामिल हुए। ब्यूरो। तो जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन हो चुका है आपके लैब में आपको कितना अटेंडेंस देखने को मिला ये आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताएंगे। तीसरा जो अपडेट है उसको देखने के लिए फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं WCR का ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे जैसे ही स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे यहाँ पे आपको एक अपडेट दिखे अदर ग्रुप डी नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन Level 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स CNRRC 1/2019। इस लिंक पर जैसे हम क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का एक नोटिस ओपन होगा, ये देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। इसमें कुछ भी नहीं है फ्रेंड, ये नोटिफिकेशन आप लोगों का बहुत पहले ही जारी करवाया जा चुका था और इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत पहले वीडियो भी बना दिया था, लेकिन अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का लगातार हमारे पास रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर ये क्या है, इसके बारे में हमें थोड़ा क्लियर कीजिए। इसमें कुछ भी नहीं है फ्रेंड, रेलवे का जो है इन सारे जो भी डिपार्टमेंट है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एवं टेलीकॉम विभागों तथा कैटरिंग प्रभाग में जो भी रिक्रूटमेंट होगा उसमें आप लोगों का 10th के साथ साथ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या फिर 10th के साथ साथ ITI जरूरी होगा। ये जो छूट है ये केवल आप लोगों का CN 2/2018
और आरसी 1/2019 में केवल केवल छूट दिया गया था। 15 जनवरी 2019 के बाद से जो भी आप लोगों की भर्तियां जारी की जाएंगी उसमें आप लोगों का ये दोनों जो है कि क्वालिफिकेशन मैंडेटरी होगा। रेलवे आप सभी स्टूडेंट्स को 2019 में ही इसलिए सूचित कर दी थी क्योंकि हो सकता है कि आप लोग का 2023 में 2022 के लास्ट में या फिर 2023 में रिक्रूटमेंट देखने को मिले, तो उस समय रेलवे को कोई स्टूडेंट ये नहीं कह पाएगा कि आपने हमें पहले ही नहीं सूचित किया था। 2019 में आपको सूचित किया गया, आपका पूरा 3 साल का समय है। जो भी स्टूडेंट्स को ITI करना होगा या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप करना होगा वो स्टूडेंट आसानी से कर लिए होंगे। यदि नहीं किए हैं तो अभी भी आपके पास समय है, समय रहते आप लोग ITI कर लीजिए या फिर आप लोग को नेशनल अप्रेंटिसशिप करना चाहिए तो वो आप लोग कर लीजिए, लेकिन कर जरूर लीजिए क्योंकि इस बार रेलवे आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनेगी क्योंकि इस बार समय रहते रेलवे ने नोटिस जारी कर दिया है। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड कि जो आप लोगों का कल 30 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है उसमें से 15 से 17 क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे PDF से पाए गए हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे PDF को प्राप्त नहीं किया तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9955364944, इस व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिख करके आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन मैच होते हैं ये सारे के सारे डायरेक्टली हम लोग अपने टेलीग्राम पर भेज देते हैं ताकि कोई भी स्टूडेंट देखना चाहे तो आसानी से इसको देख सकते हैं।